ये तो पूजा है, तेरी ननद। ओ, ये कैसे इस लड़के के साथ चिपकी हुई है? विधवा होए को अभी इसको एक साल भी नहीं हुआ और दूसरे लड़कों के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। छी छी छी, क्या लीला है भगवान तेरी। आने दो जरा इसको आज घर, इसके भैया को जाके सारी बात बताऊंगी। तेरी सारी करतूतें तेरे भैया को जाके बताती हूँ। रोहन, अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस चिल्ला ही रही हूँ, तुम्हें पता चलेगा ना तुम अपना सर पकड़ के बैठोगे यहाँ। पर क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी बहन कहाँ है बताओ जरा। बहन हमें बता के तो गई थी कि बाहर मौसम अच्छा हो रखा है तो थोड़ी देर टहल के आती हूँ, घूमने गई है ना वो। हाँ, हमसे तो वो यही कह के गई थी कि भाभी बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, टहल के आती हूँ जरा। टहल लेने गई हुई थी, बाहर दूसरे लड़कों के साथ मटर गश्ती करने गई हुई थी। रिया माइंड योर लैंग्वेज, ये तुम कैसे बात कर रही हो? बहन है यार वो मेरी। हाँ जानती हूँ तुम्हारी बहन है, और ये भी जानती हूँ कि अभी उसके हस्बैंड को एक्सपायर हुए एक साल भी नहीं हुआ और वो बाहर बीच सड़क पे खड़ी होके किसी दूसरे लड़के के हाथ में हाथ डाल के खड़ी है। रोहन अभी तो सिर्फ मैंने देखा है, जब गली मोहल्ले वाले देखेंगे ना थू-थू करेंगे तुम पे। रिया कोई कुछ क्यों करेगा, मुझे पक्का पता है वो मेरी बहन नहीं होगी, तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं, गलत फहमी तुमने अपनी बहन के लिए पाल रखी है। एक बात बताओ जरा, एक लड़की बीच सड़क पे हाथ में हाथ डाल के एक लड़के के साथ खड़ी है, तुम दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं होगा भला? ये बात तो ना बच्चे बच्चे भी जानते हैं, तुम्हें मैं एक्सप्लेन ही क्यों कर रही हूँ। लो आ गई तुम्हारी लाडली, पूछो जरा इसको कहाँ से आ रही है मुंह मार के। रिया ये तुम क्या बकवास कर रही हो यार, वो भी उसके सामने। कोई बात नहीं भैया, मैं वैसे भी आपको बताने ही वाली थी। बताने वाली थी या मैं यूं कहूं कि हमें पता चल गया इसलिए बताना तुम्हारी मजबूरी थी। नहीं भाभी, मैं सच में भैया को सब कुछ बताने ही वाली थी, मैं खुद नहीं चाहती थी कि आपको कहीं और से पता चले, पर शायद मैं लेट हो गई। कोई और हमें बताए या ना बताए, तुम्हें तो इस चीज का अंदाजा होना चाहिए ना कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे भाई की इज्जत का क्या हो सकता है। रिया बस भी करो यार, कोई कुछ क्यों कहेगा, वो मेरी बहन है, उसकी खुशी उसका दुख ये सब हमने देखना है, बाहर वाला कोई कुछ भी करे हमें उससे क्या लेना देना है। रोहन ये सोसाइटी ऐसी ही है, एक लड़की जिसके हस्बैंड को एक्सपायर हुआ भी सिर्फ एक साल हुआ है, उस लड़की को कोई दूसरे लड़के के साथ देखेगा ना तो लोग इसी को ही गालियां देंगे। अच्छा एक मर्द शादीशुदा होकर दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध बना सकता है? मेरी बहन तो फिर भी किस्मत की मारी हुई है, उसका पति एक साल पहले गुजर गया, वो विधवा हो गई, तो क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या, वो घर में बैठ के बस रोती रहे हर टाइम। ठीक है अगर ये लड़की इतना आगे बढ़ गई ना तो हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ सकता है। नहीं भाभी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, और आपको ये शहर छोड़कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बहुत दुख दे चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मैं आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। भैया नहीं बहन, तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये तेरी जिंदगी है और तुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है। ये दुनिया वालों का क्या है बहन, उन्हें हर किसी की जिंदगी में टांग अड़ाने की ना आदत होती है, वो ये नहीं देखते कि कोई इंसान अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा है, बस उन्हें अपनों से मतलब होता है। पर फिर भी रोहन। क्या फिर भी रिया, बस भी करो, तुम तो सही या गलत को समझो। अरे मैं मानता हूँ कि मेरी बहन विधवा है, पर इसका मतलब ये नहीं है रिया कि उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है, वो घर में बैठ के बस रोती रहे। देखो हम पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए लेकिन हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है, ये भी तो दुख की बात है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उस दुख के मारे घर में बैठ के हर टाइम रोते रहते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं ना, तो मेरी बहन को खुशियां ढूंढने का हक नहीं है क्या, वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है? बहन तुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की और ना ही दुनिया वालों से डरने की, तूने जिसके साथ रहना है तो उसके साथ रह, जिसके साथ मिलना है तो उसके साथ मिल, तुझे जो करना है तो वो कर, तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं क्योंकि ये तेरा भाई ना हमेशा तेरे साथ है। और तेरी भाभी भी, I'm sorry, मुझे ये समझने में देर लगी कि सोसाइटी की वजह से तुम अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस क्यों करोगे, सोसाइटी ने हमें देना ही क्या है। और मैं तो ये बोलूंगी कि तुम उस लड़के को घर लेके आओ, क्यों ना हम तुम्हारी शादी के बाद उस लड़के से करें। क्या मैं फिर से शादी? हाँ मेरी बहन, हम लोग बहुत खुश हैं कि आखिर तुझे कोई मिला तो सही,
तू उस लड़के को घर में बुला, अगर वो लड़का हमें अच्छा लगेगा ना तो हम तेरी शादी उसके साथ जरूर करवाएंगे और तू अपनी जिंदगी को दोबारा खुशी खुशी जी पाएगी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भाभी, वरना आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं सोचता। सब एक विधवा लड़की को तो बस धुतकारते ही हैं, उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होती। जब उसका पति जाता है ना तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच जो आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो मेरे लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।